press the bell icon on the YouTube app and never miss an मैं जावेद मियां दाद से एक और बात पूछना चाहूंगी कि 3 दिन पहले सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस 2 मुसलमान को जेल की हिरासतों में अरेस्ट करवाएं, डिटेन करवाएं, क्योंकि वो मक्का मदीना के मस्जिद में बैठ करके गाजा और हमासी के लिए दुआएं कर रहे थे। तो जावेद मियां दाद क्या सऊदी अरबिया के प्रिंस खुर्शीद साहब से बात करेंगे? जावेद मियां दाद से मेरा दूसरा सवाल है कि चाइना में मुसलमानों की दाढ़ियां नोची गई और उनको जेल बंदी बनाया गया था कि जब तक इस्लाम का भूत दिमाग से नहीं उतरेगा तब तक रिहाई नहीं मिलेगी, तो क्या चीनी मिनी चाओ वो चाइनीज के प्रेसिडेंट से बात करेंगे? मैं जावेद मियां दाद से पूछना चाहती हूँ। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर सोहेब चौधरी जी को, जिनको भारत में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी नाज़िया अलाई खान जी, जो कि एक दमदार सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और ये दोनों डिस्कस करेंगे राम मंदिर को, प्रधानमंत्री मोदी को और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। जब चाइना में मस्जिदों को तोड़ करके टॉयलेट बनवाया गया, बाथरूम करने की जगह बनवाई गई, तो क्या उस बारे में वो चाइना के प्रेसिडेंट से बात करेंगे? मैं जावेद मियां दाद से ये पूछना चाहती हूँ कि जब सऊदी अरबिया में बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के टुंब को तोड़ करके उसको डिमोलिश करके सड़कें चौड़ी करवाई गई और खूबसूरत करवाई गई, बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कब्रिस्तान को डिमोलिश करके, तो उस बारे में जावेद मियां दाद कुछ बात करना चाहेंगे? मैं जावेद मियां दाद से पूछना चाहती हूँ कि आपके पाकिस्तान में जो लड़कियां विराट कोहली की जो मोहब्बत में पागल हो रही हैं, आपके पाकिस्तान में शुभम गिल के मोहब्बत में जो मुसलमान लड़कियां पागल हो रही हैं, उस बारे में कुछ बात करना चाहेंगे जावेद मियां दाद साहब? मैं जावेद मियां दाद साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ कि एसी रूम में बैठ करके और किसी पॉडकास्ट वाले के सामने उल्टियां करने से बेहतर ये नहीं होता कि आप हमास और फलस्तीन जा करके उनकी मदद कर लेते, तो शायद आप अच्छे मुसलमान कहला जाते और पाकिस्तान की नजरों में आपका वकार थोड़ा ऊंचा हो जाता। तो ये चंद सवाल है मेरे मेरे मेरी तरफ से जावेद मियां दाद के लिए, और मैं जानती हूँ कि मेरे ये सवाल जावेद मियां दाद तक मुझे कैसे पहुंचाने हैं। अगर आपने इसको नहीं काटा तो मैं तो पहुंचा डालूंगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो फिर साथ ही साथ ये भी सवाल जावेद मियां दाद या फिर पूरे पाकिस्तान में जहां पे भी आप पहुंचा सकी जरूर पहुंचाइएगा। हम तो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान से लोग देखें, क्योंकि मकसद ये है कि पाकिस्तान के लोगों की, मेरे पाकिस्तान के लोगों की सोच बदले। तो एक सवाल ये, बल्कि सवाल नहीं, मैं ये ऑफर कर रहा हूँ तमाम मुसलमानों से जिन्हें ऐसा लगता है कि भाई वो सबसे बड़े इस्लाम के ठेकेदार हैं या सबसे ज्यादा मोहब्बत इस्लाम से उन्हें है, मैं ये ऑफर करता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म, ये हमारा चैनल उनके लिए है, लेकिन आए बात करें चाइना के मुसलमानों के लिए, आए बताएं कि चाइना में क्या हो रहा है, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। और मैं वेट करूंगा कब पाकिस्तान से कोई हमारे साथ आता है जर्नलिस्ट, कब पाकिस्तान से कोई क्रिकेटर आता है और ये बात करता है कि भाई चाइना में तो बहुत जुल्म हो रहा है, फलस्तीन, हमास, बर्मा, यहाँ वहां, हमें बहुत सी चीजें याद आती हैं। बिल्कुल साथ आयरन फ्रेंड चाइना मौजूद है, इनके बारे में आज तक हमने बात क्यों नहीं की, एक सवालिया निशान है। नाज़िया अलाई जी क्या समझती हैं कि ऐसे लोग भारत के मुसलमान जो होते हैं ना शोएब, भारत के जो मुसलमान होते हैं, जैसे मैं अपने बारे में बात करती हूँ, मैं कुरान के उन पन्नों को, उन सूरतों को पढ़ती हूँ जिसमें 800 बार इल्म की बात कही गई है। मैं कुरान की उन सूरतों को मानती हूँ जिसमें 306 बार मानवता की बात कही गई है। मैं कुरान की उन सूरतों को बहुत बगौर पढ़ती हूँ और बार बार पढ़ती हूँ जिसमें बीबी मरियम अलैहि सलाम को वुमेन एम्पावरमेंट के तरीके से दिखाया गया है। मैं कुरान की उन सूरतों को बहुत दिलचस्पी से और बहुत मान्यता और बहुत वैल्यू और अहमियत देकर पढ़ती हूँ जिसमें बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हों को बिजनेस टाइकून और वर्किंग वुमेन के हिसाब से दिखाया गया है। तो मैं तो कुरान, मैं तो इस तरह से कुरान को पढ़ती हूँ।
बिल्कुल। और देखें, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि भाई जिन्हें जज्बात में आके मतलब उन्हें बड़े बड़े स्टेटमेंट बड़े बड़े नारे लगाने आते हैं, एक दफा अपने गिरेबान में जान ली और एक दफा जो हमने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ है, चाहे हमारे पाकिस्तान में कोई उस तरीके से शरी निजाम नहीं है, हालांकि इस्लाम का अगर हम ठेकेदार हैं तो निजाम शरी होना चाहिए, लेकिन नहीं है। एक दफा इससे निकल के पूरी दुनिया में जो चीजें हो रही हैं, तुर्की जिसे हम फॉलो करते हैं या करना चाहते हैं, वहां पे क्या इसी तरीके से इस्लाम है? सऊदी अरेबिया जिसके हम बिल्कुल मुरीद हैं, मतलब उनके पीछे पीछे चलते हैं, क्या वहां पे इसी तरीके से इस्लाम है? इसके अलावा दुनिया के बहुत से इस्लामिक कंट्रीज हैं, इस्लामिक स्टेट्स हैं, जो कि सोच के हवाले से मेंटेलिटी के हवाले से बहुत आगे जा चुकी हैं, अपने रिलेशन बहुत बेहतर कर चुके हैं। और मैं आज ओपनली ये बात करता हूँ कि हिंदुस्तान की अगर बात करें, बरसगीर की बात करें, हम अपनी बात करें, तो यहाँ पे तो कुछ साल पहले इस्लाम आया, हम फिर मुसलमान हुए कर दिए वो, मतलब जो भी चीजें हैं, तो फिर हमें ज्यादा इतना वो उस तरीके से बोलना, ये एक सवालिया निशान है मेरे लिए भी और मैं तमाम तो उन लोगों के शोएब लिए। बहुत एलानिया ये बात कहती हूँ कि मैं वो मुसलमान हूँ जो मुगलों के उन औरंगजेब और फरंगजेब को मानने वालों में से नहीं हूँ जो अपने ही भाई का गला काट के अपने ही पिता को जेल बंदी बनाता है। मैं तो उस राम भगवान को ज्यादा प्रशंसा और मानने वालों में से हूँ जिनके छोटे भाई भरत उनके पैर का खड़ौन अपने माथे पर लेकर के 14 साल के वनवास से रिटर्न आने का वापसी का पटाखे और दिवाली के दियों के साथ इंतजार कर रहे थे। एक तरफ मुगलों के परिवार में वो भाई थे जो अपने ही भाई का गला काट के अपने ही वालिद को जेल बंदी बनाते थे, और एक भरत थे जो भगवान राम की वापसी पर उनके पैर का खड़ौन अपने माथे पर लेकर के उनके इंतजार में एक हाथ में दिया जलाकर खड़े थे। ये भारत की पहचान ताजमहल से नहीं हो सकती है, इस भारत की पहचान अक्षरधाम से होती है, इस भारत की पहचान राम मंदिर से होती है, इस भारत ये भारत हिंदू राष्ट्र है, इस भारत में जय सिया राम के नारे लगते हैं, इस भारत का मुसलमान आज भी जामा मस्जिद की खूबसूरती में तस्वीरें खिंचवाता है, इस भारत का मुसलमान आज भी कलमा पढ़ता है, इस भारत का मुसलमान आज भी ईद और बकरीद मनाता है। और अवेसी जैसे झूठे मक्कार लोग जो कहते हैं कि भारत के मुसलमान बेमिसाल बॉलिंग पर, वही योगी महाराज जी ने उत्तर प्रदेश में समी स्टेडियम भी खोलने का ऐलान कर दिया और उसका काम भी स्टार्ट हो गया। तो अगर मुसलमान में क्रेडिबिलिटी है, अगर मुसलमान में ताकत है, अगर मुसलमान वाकई में इतनी इतनी काबिलियत रखता है, तो योगी और मोदी जी सल्यूट भी करते हैं ऐसे मुसलमान की, चाहे वो नाजिया हो, चाहे वो मोहम्मद समी हो, चाहे वो द ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम। जबरदस्त नादिया जी, लास्ट में एक सवाल करना चाहूंगा कि इंडिया के, भारत के मुसलमान बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, इन सब चीजों के हवाले से अब क्या सोच रखते हैं 2023 में? 2023 में और इस 9 साल में भारत संविधान से चलेगा, भारत भगवद गीता से चलेगा, भारत पार्लियामेंट में हुए निर्णय से चलेगा, भारत सर्वोच्च न्यायपालिका के जजमेंट से चलेगा। आपका धर्म आपके घर के अंदर है, आपकी आस्था आपके कलेजे में है, आप अपनी आस्था अपने धर्म अपने इस्लाम को आप भारत पर हावी नहीं होने दे सकते। ठीक है नादिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, और यहाँ पे फिर जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था, एंड में भी यही बोलूंगा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल किसी भी मजहब की बात करें इतना नॉलेज नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की कि बिल्कुल न्यूट्रल रह के, बिल्कुल अनबायस रह के जो सवालात थे, जो बातें मेरे दिल में थी वो मैंने की। अगर किसी को मेरी किसी बात से, मेरे किसी सवाल से कोई मसला है, कोई शिकवा है, तो हमारे साथ वो बात कर सकता है। लेकिन हमेशा यही मकसद रहा है मेरा कि किसी तरीके से, किसी भी तरीके से पीस को प्रमोट किया जाए, इंसानियत को प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये जो हमारा दोगलापन है, ये जो हमारा डबल स्टैंडर्ड है, एक साइड पे हम उन लोगों को दुश्मन कहते हैं चाहे वो इंडियंस हो, हिंदू हो, या फिर वो अपना हमारे जो है यूएस के लोग हों, और दूसरी साइड पे हम उसी यूएस में लाखों रुपया लगा के जाना चाहते हैं। मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान के किसी भी सड़क पे चले जाएं और वहां की यूथ से पूछें कि आप कहाँ जाना चाहेंगे, सबसे पहले ये कहेंगे मैं तो अमेरिका जाना है। ठीक है, मैं इन सब चीजों को जानता हूं और यही सोच को बदलना चाहता हूं। पाकिस्तान तभी बदलेगा जब मेरी सोच बदलेगी, जब पाकिस्तानियों की सोच बदलेगी, और हमें
सख्त सवालात का सामना करने की हिम्मत होगी, हमें सच्चाई को मानने की हिम्मत होगी, तभी ये बेहतरी की तरफ हम जा पाएंगे। नादिया जी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और स्पेशली थैंक्स के आपने आज बहुत ही पोलाइट वे में हमारे से बात की। अदरवाइज आप जरा, या पता नहीं, शायद आप जरा मेडिकल वे में थोड़ा सा फिट नहीं थी, जिस वजह से आपने इस तरीके से बात की। गोल खैर, ब्लैडर फिर का से ऑपरेशन हुआ है जी, मेरा, गोल ब्लैडर का काफी बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी स्लो हूँ। चले ठीक है, आपके लिए बेस्ट विशेस के आप जल्द से जल्द बेहतर से बेहतरीन हो। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाइक खान जी का बेबाक और दमदार अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।